अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ादारी चैनल 72। मैं हूं आपके साथ यासू, आपका खैर मकदम करता हूं। आपको बता दें, सरजमीन पटना में बाबुल इल्म कमेटी की जानिब से विलादत बा सआदत अमीर कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुबारक मौके पर एक चिल्ड्रेन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि बाबुल इल्म कमेटी की जानिब से किया गया था। आपको बता दें, इस कॉम्पिटिशन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए की अगर बात करें तो इसमें 4 इयर्स से लेके 7 इयर्स के बच्चे शामिल थे। और अगर क्वेश्चन की बात करें, सवाल की बात करें, तो इसमें 10 बेसिक इस्लामिक क्वेश्चन शामिल थे। ग्रुप बी की अगर बात करें तो इसमें 8 इयर्स से लेके 14 इयर्स के बच्चे जो हैं वो शामिल थे। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें थे। ग्रुप सी की अगर बात करें तो 15 इयर्स से लेके 20 इयर्स के बच्चे इसमें शामिल थे। और इसके सवाल क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऐसे राइटिंग जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे थे। और साथ ही साथ ग्रुप डी की अगर बात करें तो इसमें 11 साल से लेके 26 साल के बच्चियाँ शामिल थे। और स्पीच कंपटीशन था ये, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे था। तो बाबुल इल्म कमेटी की तरफ से ये कंपटीशन का इंतज़ाम किया गया था। और आपको हम बता दें, कंपटीशन आज यानी 6 मार्च 2022 को मदरसा सुलेमानिया में लिया गया है। और साथ ही साथ कल भी ये कंपटीशन, जो कि 7 मार्च 2022 को रजवी कॉटेज पठानटोली आलमगंज जिम पटना में कल ये कंपटीशन होगा। तो जो भी क्राइटेरिया है, ग्रुप है, इसमें जो बच्चे हैं उनकी एज भी दी हुई है, हमारे स्क्रीन पे भी शो कर रही होगी, आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ हमने ख़ास बातचीत की है मौलाना असद रजा साहब क़िबला, मौलाना अमानत हुसैन साहब क़िबला, मौलाना मुजफ्फर रजा साहब क़िबला और जनाब सरवर अजीम आबादी साहब और जनाब एहतिशाम साहब। इन लोगों के तासुरात हमने जाने हैं इस कॉम्पिटिशन को लेके, उन्हें आपको सुनवाते हैं। मैं बाबुल इल्म फाउंडेशन को मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा एक बड़ी कामयाबी की तरफ एक कदम है, जो इंशाअल्लाह इनको कामयाब करे। ये लोगों में एक मुहर्रिक हैसियत से ये प्रोग्राम रहेगा। जो भी लोग आकर के अपने अपनी स्पीच दे रहे हैं या जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके यहाँ एक मूवमेंट की तरह से ये काम करेगा और उनके यहाँ ये सोचने की का मौका होगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। और इस कॉम्पिटिटिव माहौल में अपने आप को उसका एक हिस्सा बन करके आगे बढ़ने की अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने बहुत टफ़ काम लिया है, लेकिन टफ काम जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ ले जाए इन लोगों को। बहुत ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इससे कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है और जब कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है तो लोगों में इल्म के प्रति उन्हें के लिए बेदारी आती है और वो उस अंदाज से अपने कैरियर को बनाने के लिए सोचते हैं और वो ये समझते हैं कि हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। अपना लेवल भी उनको पता चलता है, सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता है उनको। तो इस तरह के प्रोग्राम्स करने से उनको सेल्फ असेसमेंट मिलता है। वो बहुत मशहूर लाइन है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उर्दू में मशहूर शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी है अभी इश्क के इंतहा और भी है। सो अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे। बीमारे कबला हजरत अब्बास साहब की मोहब्बत। इस प्रोग्राम के जो मुंतजमीन हैं उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस बात के लिए वो काबिले इज़्ज़त हैं कि उन्होंने अपने मिजाज तबीयत से एक ऐसे प्रोग्राम के मूजिद वो बने, जिससे हमें यकीन है कि ये आज से ज़्यादा आने वाले दिनों के लिए मुफीद साबित होगा। मैंने सारे बच्चों की अभी तकरीर सुना और इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अगर इस तरह के प्रोग्राम कौम व मिल्लत के नौनिहाल करते रहें, ये नए बच्चों को जो जज्बा है उनको हम सलाम करते हैं और इस बात की इल्तिमास भी आवाम से करते हैं कि इनका साथ दें ताकि इनके हिम्मत अफजाई हो
तो ये कहा जा सकता है आज की तकरीर सुनने के बाद और प्रोग्राम देखने के बाद अपने कौम मिल्लत के बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए कि ये बचपना है तो अहद शबाब क्या होगा। सबसे अहम चीज़ जो हमने महसूस किया कि अभी जो दौर है और आने वाला जो दौर नज़र आ रहा है उसमें वो दौर जो है वो कंपटीशन का है, और कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द कौम का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बेबाक हो। इस तरह के प्रोग्राम से वो बेबाक भी हो जाएंगे और बेहतरीन हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में वो कंपटीशन में नामो नमूद पैदा करेंगे, कौम मिल्लत का नाम पैदा करेंगे। बस इन्हीं जुमलों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए हम दुआ गो हैं ये प्रोग्राम और आगे चले और बेहतर हो और इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम के सिलसिले में अपना एक पैगाम एक अच्छी पेशरफ के नाम से दिया है। यकीनन इस दौर में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, दीनी मालूमात से हमारे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके अंदर जितना होना चाहिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए से बच्चों में दीनी मालूमात के हासिल करने का जज्बा पैदा हो रहा है और उसी के साथ साथ उनके वालिदैन, उनसे जो मुतल्लिकीन हैं, उनके अंदर भी इन सवालात के सिलसिले में एक मालूमात की कोशिश कर रहे हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है, जिसके ज़रिए से एक अच्छा पैगाम जा रहा है। और भी ज़रूरत है इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा कौम के अफराद अपने बच्चों को दीनी मालूमात में शामिल करें और उनके अंदर शौक पैदा करें, उन्हें इस बात के लिए आमादा करें। बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है इसको इस वक्त कौम के में हर तरीके से तआवुन भी करें ताकि उन बच्चों का जिन्होंने इस काम के लिए कदम आगे बढ़ाया है उनका हौसला और आगे बढ़े और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में हमारे दीनी मालूमात का जज्बा पैदा हो, ख्वाहिश पैदा हो और कदम आगे बढ़ा सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबुल इल्म एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा अदारा है जिसके ज़रिए कौम में और बिलखुसूस कौम के बच्चों को एक अच्छी सोच दी जा रही है, एक अच्छी तरबियत दी जा रही है जिससे उनकी ज़बान, उनके ज़हन, उनकी लियाकत निखर सके। और इसका मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ जो लोग इस तंजीम में लगे हुए हैं। आज के दौर में जहाँ हर कौम, हर मसलक के लोग अपने अपने तौर पर अपने मज़हब, जिस मज़हब को वो मानते हैं, बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बाबुल इल्म भी अपने तौर पर एक छोटी सी पहल उसने की है जिससे बच्चों के
जो तरबियत है, बच्चों की जो शख्सियत है वो निखर के सामने आ सके, इसका मैं बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तेमाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह बाबुल इल्म को ऐसी ताकत अता करे कि वो फ्यूचर में अपने कौम के बच्चों को इस लायक बना सके कि वो कौम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके इंशाल्लाह। और इसी के तहत अभी नीचे मदरसे सुलेमानिया के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ तहरीरी मुकाबले हो रहे हैं, यहाँ पे तकरीरी मुकाबला होने वाला है, उससे ये पता चल जाएगा कि हमारे कौम के बच्चे क्या सिर्फ सुनते हैं या बोलने के भी जसारत रखते हैं। और अगर इस एज से 7 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल के लड़कों को बोलने का मौका मिलेगा तो वो उनकी एक जो वो है क्या कहते हैं शख्सियत जो है वो निखरेगी और निखरेगी। इसलिए मैं अपने तकरीर को समझते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये क्विज कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, एसे कंपटीशन और दीगर मालूमाती पैगामात जो दिए जा रहे हैं, ये एक्चुअली ये पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, पहला जीना है, बल्कि ये कहा जाए कि ये एक तमहीद है जिसके बाद हमें बहुत ऊपर की तरफ जाना है। ये देख कर बच्चों के अंदर ये जोश व खरोश देख कर बहुत खुशी हुई कि इनके अंदर टैलेंट छिपे हुए हैं, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनके अंदर छिपे हुए उस टैलेंट को उभारा जाए। हर बच्चे अपने आप में एक टैलेंट रखते हैं और ज़रूरत यह है कि उसको सही गाइडलाइन दे करके, उसको सही डायरेक्शन दे करके उनको उनके आला मंजिल तक, आला मकाम तक उन्हें पहुंचाया जाए। बहरहाल ये कदम जो अभी बाबुल इल्म फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम उठाया गया है ये इब्तदाई कदम है, ये पहला जीना है। इंशाल्लाह इसके ज़रिए बाबुल इल्म फाउंडेशन कौम के नौजवानों को, ख्वाह वो बच्चे हों या बच्चियाँ, इन्हें बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं और मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं ताकि कौम का भी नाम हो और अपने वतन का भी नाम हो। मकसद सिर्फ ये है कि हमें अगर अपने समाज और माशरे में, हिंदुस्तान में जीना है तो बहुत बुलंदी पर, इसलिए कि बहुत बड़ा रेस है ये हिंदुस्तानियों के दरमियान में, अगर हम उस रेस में पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लिहाजा उसी रेस में आगे आने के लिए ये पहला स्टेप है, पहला कदम है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब इसी के ज़रिए से वो कौम के बच्चे और बच्चियाँ अपने आला मकाम पर पहुँचेंगी। मकसद हमारा और इस बाबुल इल्म फाउंडेशन का सिर्फ ये है कि कौम के बच्चे IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, इंजीनियर बन करके और कौम मिल्लत की खिदमत करें, देश का नाम रोशन करें, अपने वतन का नाम रोशन करें, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। इसके लिए मैं बाबुल इल्म फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है और इंशाल्लाह कौम के नौजवान उस मंजिल पर पहुंच करके इस बाबुल इल्म फाउंडेशन का नाम रोशन करेंगे। मैं कौम के बुज़ुर्गों से और कौम के अफराद से भी गुजारिश करूंगा कि वो दामे दिरहमे सुखने इसमें मदद करें ताकि पूरी कौम और पूरी मिल्लत मुस्लिमा अपने आला मकाम पर पहुंच सके और दुनिया वालों के लिए मशल राह बन सके। यही हमारी दिली ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्ना है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा इसी तरह मेहनत होती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कौम के बच्चे आला मकाम पर फायज़ हो करके कौम मिल्लत की खिदमत करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।